गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का जी एस वाई पंकजूट यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, पी सी एस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स अत्यंत उपयोगी होती है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। लगभग जो है आपके 20 से 25 क्वेश्चन और कभी कभी 30 से 35 क्वेश्चन पी सी एस के एग्जाम में करंट अफेयर्स के मिलते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो। और बिहार पी सी एस 70 भी लगने ही वाला है, और साथ ही साथ अभी हाल ही में आपका झारखंड पी सी एस का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसमें कि आपके 15 से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटिव आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ में। साथ ही साथ उत्तराखंड पीसीएस का भी क्लास जो है ओपन कर दिया गया है यूट्यूब चैनल पे, उत्तराखंड विशेष का, क्योंकि इस बार उसमें सिलेबस चेंज कर दिया गया है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करें एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक कीमती समय निकाल के आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जो करंट अफेयर्स है आपकी, ये वर्ष 2000 लास्ट मंथ मतलब 2023 एंड 24 का है, और यही करंट अफेयर्स आपका जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, अत्यंत उपयोगी करंट अफेयर्स है। इससे बाहर आप उम्मीद न कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आएगा। वार्षिक करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निश्चित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जनवरी 2024 को। आइए जान लेते हैं अयोध्या राम मंदिर से इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे पॉइंट हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी 2024 थी। मंदिर का निर्माण 2.7 एकड़ में हुआ था। कुल निर्माण क्षेत्र इसका 57,400 वर्ग किलोमीटर वर्ग फीट है। मंदिर की कुल ऊंचाई जो है 161 फीट है। यहाँ पे मंदिर में कुल तलों की संख्या 3 तल हैं। मंदिर का प्रधान वास्तुकार चंद्रकांत शोमपुरा है। अभी हाल ही में झारखंड के पीसीएस एग्जाम में संसद भवन का वास्तुकार का नाम पूछा गया था, विमल भाई पटेल का, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखें। चंद्रकांत शोमपुरा मंदिर का प्रधान वास्तुकार है। निर्माण सामग्री में प्रयोग किया गया प्रमुख पत्थर बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर राजस्थान का है। उसके बाद रामलला की गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। रामलला की गर्भगृह में स्थापित होने वाली मूर्ति की ऊंचाई जो है 51 इंच है, यानी कि 4.25 फीट। रामलला की कमल के फूल के आसन के साथ ऊंचाई 8 फीट है। रामलला की मूर्ति में प्रयुक्त पत्थर कृष्ण शिला है। कृष्ण शिला की प्राप्ति का स्थान उडुपी कर्नाटक है। रामलला की मूर्ति का स्वरूप जो है बाल रूप 5 वर्ष खड़ी मूर्ति है, और साथ ही साथ यहाँ पे पुरानी मूर्ति इसको देश भर में सिद्ध मंदिरों में ले जाया जाएगा, फिर इसकी नई मूर्ति के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। नई मूर्ति का नाम अचल प्रस्तावित है, पुरानी मूर्ति का नाम उत्सव मूर्ति प्रस्तावित है, उत्सव मूर्ति। अन्य दो रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार गणेश भट्ट और बेंगलुरु के हैं, और सत्यनारायण पांडे राजस्थान के हैं। अन्य दो मूर्तियों की स्थापना मंदिर के अन्य हिस्सों में की जाएगी। मंदिर निर्माण वाली कंपनी का नाम L&T है। मंदिर निर्माण की शैली नागर शैली है, काफी इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन कहां पर किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का हाल ही में उद्घाटन किया गया था, 18 जनवरी 2024 को। उद्घाटन केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया था। उद्घाटन स्थान बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद से किया गया था। विषय थीम थी इसकी अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारत नागर विमानन 2047 के लिए मंच तैयार करना, काफ़ी लंबी इसकी थीम है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में इस अवसर पर उड़ान 5.3 का शुभारंभ एवं GMR स्कूल ऑफ एविएशन का उद्घाटन किया गया था। आने वाले वर्षों में लगभग 10,000 पायलटों को प्रशिक्षण करने के लिए गुरुग्राम में एक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना भी की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किसने शिलांग के लेट कोर स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर CSOC का उद्घाटन किया है? सही आंसर ऑप्शन बी, अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 18 जनवरी 2024 को शिलांग मेघालय के लेटकोर में स्थित असम राइफल्स मुख्यालय में जो है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किया। सेंटर की उपयोगिता जो है साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नेटवर्क वास्तविक समय के आधार पर निगरानी, बाहरी खतरों को कम करने और असम राइफल्स वाइड एरिया नेटवर्क में साइबर उल्लंघनों की रोकथाम कर बल्कि साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करेगा। नेक्स्ट ऐसी में असम राइफल्स के बारे में, इसकी स्थापना वर्ष 1835 में की गई थी। इसका मुख्यालय शिलांग मेघालय में स्थित है। जनवरी 2024 में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए। सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंदौर, सूरत। सही आंसर ऑप्शन सी, ए व बी दोनों को, यानी कि इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो है पुरस्कार किया गया है। आइए जान लेते हैं इसकी डिटेल। पुरस्कार प्रदान किया गया था 11 जनवरी 2024 को। प्रदानकर्ता थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत मंडपम नई दिल्ली में ये जो पुरस्कार दिए गए थे, इसका 8वां संस्करण था स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 का। प्रथम संस्करण वर्ष 2016 में इसका जो है ओपन किया गया था। संबंधित मंत्रालय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार। पुरस्कार विजेता सबसे स्वच्छ शहर इंदौर मध्य प्रदेश का, ये सूरत गुजरात का, संयुक्त रूप से प्रथम नंबर पे रहे हैं। थर्ड नंबर पे नवी मुंबई महाराष्ट्र है, उसके बाद फोर्थ पे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फिफ्थ नंबर पे भोपाल मध्य प्रदेश है और सिक्स नंबर पे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, सेवन्थ नंबर पे नई दिल्ली, उसके बाद आठ नंबर पे जो है तिरुपति आंध्र प्रदेश, नौवें नंबर पे ग्रेटर हैदराबाद तेलंगाना का शहर रहा है, दसवें नंबर पे पुणे महाराष्ट्र का शहर रहा है। स्वच्छता के क्रम में 1 लाख से कम आबादी श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो सासवाड़ महाराष्ट्र का रहा है, पाटन छत्तीसगढ़ का, थर्ड नंबर पे लोनावाला महाराष्ट्र, फोर्थ पे कराड़ महाराष्ट्र और फिफ्थ पे पंचगनी महाराष्ट्र। तो फर्स्ट पे रहा है सासवाड़, सेकंड पे रहा है पाटन, थर्ड पे लोनावाला, फोर्थ पे कराड़ और फिफ्थ पे रहा है पंचगनी। सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे स्वच्छ शहर गंगा के नदी के हिसाब से वाराणसी उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पे रहा है, सेकंड पे ही उत्तर प्रदेश का शहर प्रयागराज, थर्ड पे भी उत्तर प्रदेश का शहर बिजनौर उत्तर प्रदेश, फोर्थ पे हरिद्वार उत्तराखंड का शहर है फोर्थ नंबर पे और फिफ्थ पे कन्नौज उत्तर प्रदेश जो है ये स्वच्छ गंगा शहरों में रहे हैं। तो स्वच्छ गंगा शहरों में टॉप फाइव पे जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के शहर हैं और जबकि एक फोर्थ रैंक पे हरिद्वार उत्तराखंड का शहर रहा है। वाकई में हरिद्वार जो है गंगा घाट अपने लिए एक अद्भुत है स्वच्छता के हिसाब से। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड महू छावनी मध्य प्रदेश की रही है। सबसे सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है चंडीगढ़ है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र नंबर वन पे, मध्य प्रदेश सेकंड पे, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़, फोर्थ पे उड़ीसा और फिफ्थ पे तेलंगाना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 4477 शहरों का आकलन किया गया जिसमें 61 छावनी 88 गंगा किनारे बसे शहर शामिल किए गए थे। इंदौर ने लगातार 7वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया जबकि सूरत ने पहली बार यह सम्मान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को राज्य श्रेणी में 9वां स्थान प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहरों की स्टार रैंकिंग रेटिंग प्रोटोकॉल में जो है 1 स्टार प्राप्त 57 शहर हैं, 3 स्टार प्राप्त 9 शहर हैं और 5 स्टार प्राप्त 1 शहर है। 5 स्टार रेटिंग में नोएडा आता है, 3 स्टार रेटिंग में आगरा कैंट, गाजियाबाद, अलीगढ़, वाराणसी, लखनऊ, फिरोजाबाद, कानपुर और गोरखपुर, झांसी रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में बिहार ने 15वां स्थान हासिल किया है। बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्तमान समय में भारत में अपशिष्ट प्रसंस्करण की दर 76% है जो कि 2014 में 15 से 16% थी, तो अभी 76% है। काफ़ी इसमें ग्रोथ देखने को, एक उछाल मिला देखने को। जनवरी 2024 में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया? सेवरी नेहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन जो है जनवरी 2024 में किया गया है। इसकी टोटल लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है। भारत के सबसे लंबे पुल
अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नेहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन हाल ही में किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह उद्घाटन नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था 12 जनवरी 2024 को। लागत इसमें जो है टोटल 17,840 करोड़ रुपये आई है से अधिक, और लंबाई इसकी 21.8 किलोमीटर है, समुद्र में लगभग 16.5 किलोमीटर लंबा और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर लंबा है। लेन की संख्या 6 लेन पुल है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में इस पुल का शिलान्यास 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। यह भारत का सबसे लंबा पुल तथा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा के समय को भी कम करेगा। 6 जनवरी 2024 में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी नासिक, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 आयोजन अवधि 12 से 16 जनवरी 2024 है। आयोजन स्थल इसका नासिक महाराष्ट्र है और उद्घाटनकर्ता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। थीम थी इसकी विकसित भारत 2047 युवाओं के लिए युवाओं के द्वारा। संस्करण 27वां था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इस वर्ष जो है आयोजन इसका किया गया था नासिक महाराष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का, जो कि 27वां संस्करण था इसका। जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? वाइब्रेंट गुजरात समिट का आयोजन गांधीनगर में किया गया था। वाइब्रेंट 10वां गुजरात समिट 2024 क्या है ये? उद्घाटन इसका 10 से 12 जनवरी 2024 को हुआ था गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। 10वां संस्कर था। उद्घाटनकर्ता पीएम मोदी थे, भारत के प्रधानमंत्री। वर्ष 2024 की थीम थी गेटवे टू द फ्यूचर। भागीदारी अतिथि देश के तौर पर 100 देशों और साझेदार के तौर पर 33 देशों की भागीदारी रही है। विशेष, यह देश में अब तक सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार सम्मेलन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जनवरी 2024 में भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? सही आंसर है इसका उज्जैन, ऑप्शन बी। उद्घाटन तिथि 7 जनवरी 2024 है। उद्घाटन स्थल उज्जैन, नीलकंठ वन, महाकाल लोक। उद्घाटनकर्ता मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार। प्रसादम की विशेषता जान लेते हैं। 17 दुकानों के साथ 939 वर्ग मीटर में फैला प्रसादम महाकालेश्वर मंदिर के दैनिक आगंतुकों के लिए भोजन का विकल्प प्रदान करता है। प्रसादम में बच्चों के खेलने का क्षेत्र, पीने के पानी की सुविधा, CCTV निगरानी, पार्किंग, सार्वजनिक सुविधाएं और बैठने की जगह शामिल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 जनवरी 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए मथुरा, उत्तर प्रदेश, वृंदावन में। स्कूल की क्षमता लगभग 870 छात्राओं की है। यह स्कूल संबद्ध होगा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारत के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र है जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया था चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी सही विकल्प है। उद्घाटन 22 दिसंबर 2023 को। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी थे। उद्घाटन स्थल इसका चंडीगढ़ साइबर सुरक्षा केंद्र सेंटर 18 स्थित वायुसेना हेरिटेज सेंटर कैंपस है। कुल लागत इसकी 90 करोड़ थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में इस केंद्र को सैनिकॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। संचालन के पहले 3 वर्षों के दौरान DRPO इसका प्रबंधन करेगा। DRPO साइबर सुरक्षा केंद्र में सुविधाएं, चेहरे की पहचान डेटा विश्लेषण, पूर्वानुमानित पुलिसिंग व्यवस्था, साक्ष्य एकत्रीकरण करना, उन्नत फॉरेंसिक जांच आदि। सितंबर 2023 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद तुषार महाजन रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना जारी की गई थी? सही आंसर ऑप्शन है ऊधम सिंह रेलवे स्टेशन, जम्मू कश्मीर।
उधम सिंह या उधमपुर रेलवे स्टेशन, नाम अब इसका हो गया है शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। औपचारिक अधिसूचना 16 सितंबर 2023 को जारी करता भारतीय रेलवे। स्टेशन का नाम परिवर्तित नाम हुआ है शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे। स्टेशन का पूर्व में नाम था उधमपुर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में किस राज्य ने अपने दो जिलों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम को परिवर्तित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए महाराष्ट्र। जिलों का परिवर्तित नाम, छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद का और धाराशिव उस्मानाबाद का। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? सही आंसर ऑप्शन है राजकोट के किले में। अनावरण तिथि थी 4 दिसंबर 2023 नौसेना दिवस के अवसर पर। अनावरण स्थल था महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित राजकोट किले में। अनावरित प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की और अनावरणकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस संगठन को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया? सही आंसर ऑप्शन सी तहरीक ए हुर्रियत जम्मू एंड कश्मीर TEH। इसकी घोषणा की गई थी 31 दिसंबर 2023 को। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कानून के तहत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यूपा 1967 की धारा 3rd Clause 1 के तहत की गई थी इस पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद और भारत विरोधी प्रचार को बढ़ावा देने का ये कारण था। एक सेकंड कारण था भारत की संप्रभुता सुरक्षा अखंडता के प्रतिकूल कार्य करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी JKDFP को राष्ट्र विरोधी गतिविधि में संलिप्त रहने के कारण विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का क्या नाम रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या। और इस हवाई अड्डे की खासियत है कि ये भगवान श्री राम की चलचित्रों से पूरा सजाया गया है। लोकार्पण तिथि 30 दिसंबर 2023 है। लोकार्पणकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या इसका नाम हो गया परिवर्तित करके। यह अत्याधुनिक हवाई अड्डा लोगों को अयोध्या धाम और दिव्य भव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। पहले चरण में हवाई अड्डे की सालाना क्षमता 10 लाख यात्रियों की है। दूसरे चरण में इसकी क्षमता सालाना क्षमता 60 लाख यात्रियों की हो जाएगी। हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीटर है। टर्मिनल भवन का अग्रभाग अयोध्या के निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही दो नई अमृत भारत ट्रेनों दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस और मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, कोयम्बूटर बेंगलुरु कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस, बेंगलोर मंडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस, जालना मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस, अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCDFI लिमिटेड के मुख्यालय का शिलान्यास किया? सही आंसर ऑप्शन ए गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। शिलान्यास हुआ था 30 दिसंबर 2023 को। शिलान्यास स्थल है गांधीनगर गुजरात। शिलान्यास करता है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने।
काशी तमिल संगम 2023 का उद्घाटन, उद्घाटन तिथि 17 दिसंबर को, उद्घाटन स्थल है वाराणसी, उद्घाटन करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आयोजन अवधि है 17 से 30 दिसंबर 2023, उद्देश्य है देश की दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन शिक्षा पीठों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव मनाते हुए इनकी पुष्टि करना और पुनः अन्वेषण करना। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मोदी जी ने तिरुकुरुलम, मणिकिलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य के बहुभाषा ब्रेल अनुवाद को भी जारी किया। काशी तमिल संगम का यह दूसरा चरण था और इसके पहले चरण का आयोजन 16 नवंबर से 16 दिसंबर 2022 तक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी, गांधीनगर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में 24 दिसंबर 2023 को किया गया था। प्रतिमा अनावरण स्थल है कलोल, गांधीनगर, गुजरात। अनावरण करता है अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। प्रतिमा की ऊंचाई है 15 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में किसने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल का शुभारंभ किया? सही आंसर ऑप्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ का पहल शुभारंभ किया गया 11 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअली माध्यम से। इसका उद्देश्य देश के राष्ट्रीय योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण में देश के युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप देश के युवाओं को एक मंच प्रदान करना। दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन सी, सूरत हवाई अड्डा को। सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है। दर्जा प्रदान तिथि थी 15 दिसंबर 2023। दर्जा प्रदान करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल। लाभ है विदेशी पर्यटकों के लिए दरवाजे खुलेंगे और विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले केंद्र सरकार के निर्णय पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस पीठ की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सही आंसर ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 370 सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था हाल ही में। फैसला की तिथि थी 11 दिसंबर 2023। फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी ने, संवैधानिक पीठ ने। पीठ में शामिल न्यायाधीश थे मुख्य न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति वी आर गवई, न्यायमूर्ति संजय किशन कोल, न्यायमूर्ति संजीव खत्रा खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तात्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने वाला संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और यह कभी संप्रभु नहीं था। अपने ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही ठहराया। तो ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। ध्यानतव्य है कि केंद्र सरकार 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को नामक दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में यूनेस्को ने भारत के किस लोक नृत्य को अपने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, गरबा। गरबा जो है गुजरात का जो है एक लोक नृत्य है, इसको यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। इस सूची में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर शामिल हैं। कुछ इंपोर्टेंट हैं जैसे कुट्याट्टम संस्कृत नाट्य कला है 2008 में, हाल ही में गुजरात का गरबा 2023 में, उससे पहले 2017 में कुंभ मेला और 2016 में नवरोज, 2016 में योग, ये सम्मिलित किए गए थे।
2023 में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल्स ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस ब्लॉक को पहला स्थान मिला? सही आंसर ऑप्शन बी, त्रियानी कुमरुम भीम ब्लॉक को। नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी पहली डेल्टा रैंकिंग है। जारी तिथि 27 दिसंबर 2023। जारीकर्ता नीति आयोग और परिचय है, यह नीति आयोग द्वारा जारी देश में सबसे अच्छा जो है यहाँ पे करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों और जिलों की उपलब्धियों पर आधारित पहली डेल्टा रैंकिंग है। इसमें शामिल ब्लॉक थे 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 329 जिलों में 500 आकांक्षी ब्लॉकों को शामिल किया गया था। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी के अंतर्गत शीर्ष 2 स्थान पाने वाले ब्लॉक हैं तेलंगाना के आसिफाबाद जिले का त्रियानी कुमरुम भीम ब्लॉक, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का कौशाम्बी ब्लॉक। अचीवर्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम एडीपी रैंकिंग अक्टूबर 2023 माह के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त जिले हैं, नंबर 1 पे रायगढ़ ओडिशा, नंबर 2 पे जुमई बिहार। कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, पहाड़ी और पूर्वोत्तर जोन में रैंक 1 पे अमरी जो के पश्चिम में कर्बी आंगलोंग का जिला है असम का। सेकंड पोजिशन में नगोवा सेतुअल्स जिला है मिजोरम का। केंद्र सरकार द्वारा एस्पिरेशनल्स ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य भारत के सबसे कठिन और अपेक्षाकृत अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में। संसद सुरक्षा उल्लंघन जांच हेतु समिति का गठन हुआ था 14 दिसंबर 2023 को। गठनकर्ता थे गृह मंत्रालय भारत सरकार। समिति के अध्यक्ष थे अनीश दयाल सिंह, सीआरपीएफ के निदेशक हैं। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इस समिति में देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ शामिल हैं। यह समिति संसद की सुरक्षा में हुई चूक के कारणों की जांच करेगी, खामियों की पहचान करेगी और आगे की कार्रवाई की सिफारिश भी करेगी। दिसंबर 2023 में जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता। एनसीआरबी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर है कोलकाता। 4 दिसंबर 2023 को रिपोर्ट जारी की गई थी एनसीआरबी के द्वारा। शीर्ष 5 शहर हैं कोलकाता, चेन्नई, कोयम्बटूर, सूरत और पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 दिसंबर 2023 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मॉम की मूर्ति का स्थापना कहाँ की गई है? सही आंसर ऑप्शन डी, जयपुर में। स्थापना तिथि थी 6 दिसंबर 2023। स्थापना स्थल था जयपुर वैक्स संग्रहालय नाहरगढ़ किले में और मूर्ति की लंबाई थी 5 फीट 11 इंच। मूर्ति का वजन था 38 किलोग्राम। निर्माणकर्ता था पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान सरकार। दिसंबर 2023 में पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 के अनुसार शमंका सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? सही आंसर ऑप्शन बी, तेलंगाना में। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय यूनिवर्सिटी की स्थापना तेलंगाना में की जाएगी। दिसंबर 2023 में संसद ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। यह विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करेगा। आइए जानते हैं डिटेल। उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, जनजातीय समुदाय के बीच अनुसंधान को बढ़ावा देना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, विश्वविद्यालय का नाम माँ और बेटी समक्का और सरलम्मा शरक्का के नाम पर रखा गया है, जिन्हें तेलंगाना के आदिवासी समुदायों की रक्षा के लिए भेजी गई आदि
पराशक्ति की अभिव्यक्ति माना जाता है। 28 दिसंबर 2023 में एक ही दिन में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सही आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड। GI टैग प्रदान तिथि 4 दिसंबर 2023। उपलब्धि प्राप्त राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड को एक दिन में प्राप्त कुल GI टैग 18 थे, रिकॉर्ड बनाया इसने। GI टैग प्राप्त उत्पादन उत्तराखंड नंबर एक पे जो है चौलाई, झंगोरा नंबर दो पे, नंबर तीन पे मंडुआ, चार पे लाल चावल, पांच पे अल्मोड़ा खलोरी मिर्च, छठे पे बैरीनाग की चाय, सातवें पे बुरांस शरबत, आठवें पे रामनगर नैनीताल लीची, नौवें पे है रामगढ़ आड़ू, दसवें पे माल्टा, ग्यारह पे पहाड़ी तूर दाल, बारहवें पे गहत दाल, तेरह पे कालापट्ट काला सोयाबीन, चौदह पे है बिच्छू बूटी कपड़ा और पंद्रह पे है नैनीताल मोमबत्तियाँ, सोलह पे कुमाऊनी बिछौड़ा, सत्रहवें पे चमोली का रमन मुखोटा और अठारहवें पे लिखाई वुड कॉर्विंग्स। तो उत्तराखंड वो राज्य था जिसको 18 GI टैग प्राप्त हुए थे वर्ष 2023 में दिसंबर मंथ में। तो सर एक ही दिन में सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करता राज्य बनाया उत्तराखंड। UKPCS के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत उपयोगी क्वेश्चन है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को GI टैग प्राप्त हो चुका है। उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला दो उत्पाद योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। भारत में GI टैग पंजीकरण का विनियमन वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत किया जाता है। वर्ष 2023 में GI टैग प्राप्त प्रमुख उत्पाद एवं संबंधित राज्य, लाकाडोंगा हल्दी मेघालय की है जिसको GI टैग प्राप्त हुआ है, सी वर्कथॉर्न्स लेहवेरी लद्दाख, सिंगिस्कोप्स लकड़ी पर नक्काशी लद्दाख की है, याक चुरपी खामती चावल तांगशा कपड़ा यह अरुणाचल प्रदेश का है, उदयपुर कोप्तकारी धातु शिल्प, बीकानेर कासीदाकारी शिल्प, बीकानेर उस्ताकला शिल्प, जोधपुर वंधेज शिल्प, ये राजस्थान के जिनको GI टैग प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है गोवा मंकूराम गोवा वेविंग का, ये गोवा का है। अब उत्तर प्रदेश के जो GI टैग मिले हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अमरोहा की ढोलक को GI टैग मिला है, संभल के हॉर्न क्राफ्ट को, महुआ के गौरा पत्थर को हस्तशिल्प है, मैनपुरी का तारकशी, बाराबंकी का हथकरघा उत्पाद, कालपी का हस्तनिर्मित कागज, बागपत का होम फर्निशिंग, आगरा का लेदर फुटवेयर तथा जलेसर धातु शिल्प और बनारस पान, रामनगर का भंटा बैंगन, बनारस का लंगड़ा आम, हाथरस की हींग, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, प्रतापगढ़ का आमला, नगीना की लकड़ी शिल्प और वखीरा के पीतल के बर्तन, बांधा का शजर पत्थर शिल्प, इन सभी को जो है GI टैग मिला है जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। मर्चा चावल बिहार का है जिसको GI टैग प्राप्त हुआ है मर्चा चावल, और रीवा का सुंदरजा आम मध्य प्रदेश का है, नागरी दूरा चावल छत्तीसगढ़ का जिसको GI टैग दिया गया है। अब तमिलनाडु के GI टैग मिले मनप्पराई मरुक्कू कुम्बुम पनीर थ्रोचाई अंगूर मार्तंडम शहद ऊटी बरकी मन्नादुराई के मिट्टी के बर्तन सलेम साबुदाना आथूर वेनेली माइल्डी पत्थर की नक्काशी सोलबंदन वेनेली नेगामत सूती का साड़ी और थैंकल रतन शिल्प, ये तमिलनाडु के जिनको GI टैग दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर के उत्पादन जिनको GI टैग मिला है जिसमें के चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी की और मुस्कबुदजी चावल अनंतनाग, वसोहली पेंटिंग वसाहली पश्मीना ऊनी उत्पाद वस्त्र भद्रवाहा राजमा राजोजी राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट मुस्कबुदजी चावल ऊधमपुर कलादी रामबन अनारदाना रामबन सुलाई शहद, ये जम्मू कश्मीर के हैं जिन्हें GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 दिसंबर 2023 में वाराणसी में निर्मित सर्ववेद महामंदिर का जो है
स्वर्वरभित महामंदिर का निर्माण या उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने। स्वर्वरभित महामंदिर का उद्घाटन जो है 18 दिसंबर 2023 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था वाराणसी के उमराहा में। मंदिर की ऊंचाई 180 फीट 7 मंजिल है। महामंदिर का निर्माण विहंगम योग संस्थान की ओर से कराया गया है और इसका निर्माण मकराना पत्थर से किया गया है। इस मंदिर में भारत के सामाजिक आध्यात्मिक सामर्थ्य का एक आधुनिक प्रतीक है। मंदिर को 125 पंखुड़ियों वाले कमल के गुंबदों के साथ डिजाइन किया गया है और इसमें एक साथ 20,000 लोग बैठ सकते हैं और इसे विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र में से एक मानता है या मानती है। सदगुरु आचार्य स्वतंत्र देव और संत प्रवण विज्ञान देव ने 2004 में इस विशाल ध्यान केंद्र की नींव रखी थी। दिसंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार किया? सही आंसर ऑप्शन है फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों ने। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि कितने वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है? सही आंसर ऑप्शन है 5 वर्ष के लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि में वृद्धि हुई है। अवधि में की गई वृद्धि 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए है। योजना लागू रहेगी वर्ष 2029 तक। योजना की शुरुआत है वर्ष 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग में बचाव अभियान को पूरा कर लिया गया, इस बचाव अभियान का क्या नाम था? सही आंसर ऑप्शन सी ऑपरेशन जिंदगी। सुरंग हादसा हुआ 12 नवंबर 2023 को, बचाव अभियान पूरा हुआ 28 नवंबर 2023 को, 17 दिन बाद। सुरंग में फंसे कुल निर्माण श्रमिक थे 41। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग की अवस्थिति है उत्तराखंड में उत्तरकाशी स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 134 पे। ये चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का एक हिस्सा थी। वर्ष 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा मेघालय में रेड होल खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नवंबर 2023 में आयुष मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने आयुर्वेद में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? सही आंसर ऑप्शन है अग्नि पहल की। अग्नि का पूरा नाम है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कहा, पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की घोषणा की है। ऑप्शन ए खूंटी झारखंड से। 29 नवंबर 2023 को खूंटी झारखंड से की घोषणा की गई थी पीएम जनमन की। अभियान हेतु फोकस क्षेत्र 11 क्षेत्र हैं, पक्के मकान 2, संपर्क मार्ग 3, नल जल आपूर्ति एवं सामुदायिक जल आपूर्ति इस अभियान हेतु फोकस क्षेत्र थे। मोबाइल चिकित्सा इकाई, छात्रावासों का निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा व कौशल, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण, बस्ती घरों HH का ऊर्जाकरण, सोलर ग्रिड प्रणाली का प्रावधान, सड़कों पर सौर प्रकाश व्यवस्था, BDB के वन धन विकास केंद्र की स्थापना, मोबाइल टावरों की स्थापना। विशेष रूप से कमजोर 75 जनजातीय समूहों PMTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना इसका उद्देश्य था। इसकी मंजूरी में कुल व्यय 24,104 करोड़ रुपए हैं। केंद्र का अंश इसमें 15,336 करोड़, राज्य का अंश 8,768 करोड़। नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन बी देवघर झारखंड में। दस हजारवा जन औषधि केंद्र एम्स देवघर में खोला गया था। मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का जो 2014 में केवल 80 थी। नया प्रस्ताव 31 मार्च 2026 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री जन भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के द्वारा। 36 नवंबर 2023 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFM ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों AVHWC को किस नाम से रीब्रांडेड किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम परिवर्तित नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। टैगलाइन है आरोग्य परम धनम। रीब्रांडिंग पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2023 के अंत तक आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया गया था। वर्ष 2018 में योजना के अंतर्गत कम आय वाले लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल और स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाता। नवंबर 2023 में संपन्न हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कौन शामिल नहीं था? सही आंसर ऑप्शन बी मेघालय। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 में शामिल 5 राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ 5वीं मतदान प्रतिशत 76.31% है। मतदान तिथि हुई थी 7 नवंबर से 23 नवंबर फर्स्ट सेकंड को। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं और साथ ही साथ अरुण साव और विजय शर्मा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में मोहन यादव को CM, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। वहीं मिजोरम में लाल दुहुमा ने CM पद की शपथ ली है। राजस्थान में भजनलाल शर्मा के साथ साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तेलंगाना में अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी, मल्लू भट्टी, विक्रमार्क को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। राज्य और नवगठित विधानसभा के अध्यक्ष साथ ही साथ राज्यपाल। मिजोरम के अध्यक्ष जो हैं विधानसभा के लाला वी क्याम जामा और राज्यपाल हैं कम्बमपति हरिबाबू। छत्तीसगढ़ में नवगठित विधानसभा के अध्यक्ष हैं रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं और मंगू भाई छंगन भाई पटेल यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं। राजस्थान में वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष हैं और कलराज मिश्र यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं। तेलंगाना में गद्दाम प्रसाद कुमार जो हैं विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं। चुनई चिरई को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 का शुभंकर घोषित किया गया। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। लाल रिन पुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी है। 5 राज्यों के चुनाव में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत मिजोरम 80.66% और सबसे कम तेलंगाना 71.34% का है। नवंबर 2023 में द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किस राज्य में किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2023 में विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहां पर किया गया? सही आंसर ऑप्शन है तेलंगाना में, वुरुगी पल्ली सिद्धिपीठ जिला तेलंगाना में। निर्माता था अप्यूसूजा इंफ्राटेक हैदराबाद सिंपली फोर्स क्रियंसेस के सहयोग से। मंदिर में स्थित है 3 गर्भगृह। देवी पार्वती के लिए कमल के आकार का गर्भगृह है। भगवान गणेश को समर्पित मोदक, भगवान शंकर को समर्पित एक चौकोर शिवालय। अक्टूबर 2023 में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS जिसे नमो भारत नाम दिया गया है लॉन्च की गई थी साहिबाबाद स्टेशन गाजियाबाद से।
यह नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद की दुहाई डिपो से जोड़ेगी। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी की तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना के 800 मेगावाट के पहले संयंत्र का लोकार्पण कहाँ किया? ऑप्शन बी निजामाबाद में। लोकार्पण 8 अक्टूबर 2023 को निजामाबाद तेलंगाना से पीएम मोदी के द्वारा। संयंत्र की क्षमता है 800 मेगावाट। अक्टूबर 2023 में भारत के किन दो शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी कोझिकोड और ग्वालियर को। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क श्रेणी में 7 श्रेणियां हैं, शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन, पाककला, मीडिया, फिल्म, साहित्य, संगीत। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल अन्य भारतीय शहर हैं जयपुर शिल्प एवं लोक कला के लिए, श्रीनगर शिल्प कला एवं लोक कला, मुंबई फिल्म के लिए, बनारस संगीत के लिए, चेन्नई संगीत के लिए, हैदराबाद पाककला के लिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस अवसर पर भारत के 2 शहरों सहित कुल 55 शहरों को इस नेटवर्क में शामिल किया गया। अक्टूबर 2023 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया। इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह हल्दी के बारे में जागरूकता और खपत को बढ़ाएगा और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नज़र एक नए बाजार विकसित करेगा। और सेकेंड है कि बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देगा, मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा। सही आंसर ऑप्शन सी एक और तो दोनों ही सही है। तो अधिसूचना 4 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा देश में हल्दी और हल्दी से उत्पादित विकास और वृद्धि पर फोकस करेगा, हल्दी से संबंधित मामलों में नेतृत्व प्रदान करेगा, प्रयासों को मजबूत बनाएगा। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक भी है। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। भारत में हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। अक्टूबर 2023 में शुभारंभ किए गए मेरा युवा भारत मंच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन है ऑप्शन ए केवल एक, कि यह एक स्वास्थ्य निकाय है जो कि 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को लाभान्वित करेगा। मेरा युवा भारत माई भारत शुभारंभ तिथि है 31 अक्टूबर 2023 को। शुभारंभ करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह एक स्वायत्त निकाय है। यह राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। लाभार्थियों की आयु 10 से 19 वर्ष होगी। यह एक फिजिटल प्लेटफॉर्म फिजिकल प्लस डिजिटल है, जिसमें कि भौतिक गतिविधि के साथ ही साथ डिजिटल रूप से जुड़ने का अवसर भी शामिल है। प्राथमिक उद्देश्य इसे युवाओं की उन्नति के लिए समर्पित एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। सरकार एवं अन्य हितधारकों के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए दो तरफा संचार में सुधार करना भी है। अक्टूबर 2023 में शुभारंभ किए गए प्रोजेक्ट उद्भव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रोजेक्ट भारतीय सेना और एकीकृत सेवा संस्थान USI के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। सेकंड, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना है। सही आंसर ऑप्शन सी एक और दो दोनों ही सही है। शुभारंभ तिथि है 21 अक्टूबर 2023। शुभारंभ करता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पहल है भारतीय सेना और एकीकृत सेवा संस्थान USI के बीच की एक सहयोगात्मक पहल। अक्टूबर 2023 में नैनो DAP तरल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी कलोल, गुजरात में। किसने किया? अमित शाह, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने। संयंत्र की लागत है 300 करोड़ रुपये। एक बोतल नैनो DAP तरल का मूल्य होगा 600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSYAIVP के अंतर्गत जमरानी
बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी। इस परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड में। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIVP के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी है। मंजूरी तिथि 25 अक्टूबर 2023 को। मंजूरी प्रदान करता है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। परियोजना लागत है 2584.10 करोड़ रुपये। केंद्रीय सहायता 1557.18 करोड़ रुपये। परियोजना पूरी होगी मार्च 2028 तक। अक्टूबर 2023 में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहां पर किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद में। किसका किया गया? साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन सोलर रूफ। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन 1 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में। ट्रैक का नाम है हेल्थवे। ट्रैक की लंबाई 23 किलोमीटर, ट्रैक की चौड़ाई 4.5 मीटर है। अक्टूबर 2023 में जारी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 11% की वृद्धि हुई है, 11.9% की इसमें वृद्धि देखने को मिली है। सितंबर 2023 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। लॉन्च तिथि 8 सितंबर 2023 को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। पोर्टल संचालन करता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। यह पोर्टल हिंदी अंग्रेजी जर्मन फ्रेंच स्पेनिश अरबी पुर्तगाली इतालवी और तुर्की सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। सितंबर 2023 में आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किस स्थान से किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी गांधीनगर से। स्वारंभ 13 सितंबर 2013 को। स्वारंभ स्थल है गांधीनगर गुजरात से। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ पे 2023 का होना चाहिए, स्वारंभ तिथि 2023 होगी नॉट 2013। तो आज की करंट अफेयर्स में हमने टोटल 51 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने डियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इतना तो सपोर्ट आप कर ही सकते हो। और बाकी आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।